तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। मैं समीर दंची एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है पाकिस्तान के हूरों के लंबरदार की, मतलब शोएब चौधरी की। ये पूछने क्या पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में कि भाई इजिप्ट ने अब नकाब पे बैन लगा दिया स्कूलों के अंदर, तो देखते हैं इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या बोलती है। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इस पाकिस्तान की जहालत पे क्या रिएक्शन आता है इस पे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए, और फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी जहालतें, फिर करते हैं इनको तेलते हैं अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां बिशारत। क्या करते हैं सर आप? शॉपकीपर हूं। शॉपकीपर हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इजिप्ट से अभी खबर आई है, मिस्र से, कि वहां पे जो स्कूल हैं उन स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं उन्हें निकाब लेने पे पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को सुन के एज ए पाकिस्तानी? देखें जी, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अच्छा, ये इस्लाम फोबिया है। अच्छा, जो कि वेस्ट का हमारे खिलाफ फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो इजिप्ट है, आपको खबर हो शायद कि इस्लामिक कंट्री है, इसमें मिस्र, मिस्र का आपने सुना ही होगा, तो इसमें कौन सा जो वो यूरोपियन कंट्री या दूसरी वेस्ट है वो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं? देखें जी, इजिप्ट, मिस्र वहाँ पे ऑलवेज जो है ना इस्लाम के खिलाफ, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है ना अक्सर एलिगेशन लगाता रहता है, वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया जाता। ठीक है, तो ये वेस्ट की पॉलिसी है जो कि हमारे अगेंस्ट जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। लेकिन कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो सऊदीया में भी इस तरीके से हमने खबर सुनी थी। अच्छा, एक चीज देखो, इनको वेस्ट से दिक्कत, यूरोप से दिक्कत, ये वो लोग कर रहे हैं, मरानी को वहीं जाके इन लोगों को, मरानी को वहीं जाके इन लोगों को। मतलब कोई कंट्री अपने हिसाब से, कोई चाहे इस्लामिक कंट्री हो चाहे कोई और कंट्री हो, इनको पहले दर्द उठता है। खुद का तुमने बेड़ा कर रखा है, दूसरा अगर अपनी कंट्री में कोई कानून लेके आता है, कुछ करता है, तो इनको बड़े सबसे पहले इनके पिछवाड़ में चुनमुने काटते हैं। क्यों भी? तुम्हारे बाप का है, तू लेके आया है, तू लोग लेके आया है क्या? हर किसी का फेथ मानने का, हर किसी का फेथ अलग होता है, किसी की, हर किसी की प्रे करने का तरीका अलग होता है, फिर चाहे गॉड कोई भी किसी भी माने, तुम नहीं सिखाओगे उसको प्रे करने का तरीका, प्रे ऐसे करो, तुम होते कौन हो भाई बोलने वाले, किसी के फेथ को चेंज करने वाले, किसी के कानून को चेंज करने वाले। इसलिए ये लोग जाके वेस्ट में ही बोलते हैं, हमें तो शरिया चाहिए, पहले तो वहां भीख मांगेंगे है? फिर जब बढ़ जाएंगे इनकी आबादी, फिर तो हमें शरिया चाहिए भाई, पे लात मार देनी चाहिए भूतनी वालों पे, उस देश के कानून को फिर नहीं मानेंगे। जैसे पूरा फ्रांस फूक मारा, वहां की हेरिटेज फूक मारी, और फिर कहते हैं हमारी हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया जाता, फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया। अबे नहीं होगा क्या? तुम लोग गंद मचाते हो तो तुम्हें लात भी नहीं पड़नी चाहिए, फिर इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा इंसान के अंदर। तुम लोगों से वर्ल्ड में सब लोग डरते हैं कि कब फट जाएगा ये बंदा, कुछ नहीं कह सकते, कब किसका रेप कह देगा, कुछ नहीं कह सकते। ये बंदा सामने जो खड़ा है, ये पता कि हाँ मुस्लिम है, तो ये इसका ये नहीं पता कि ये ड्रग्स बेच रहा क्या है, कि कौन से जुर्म में मुलव्वस है, ये कोई रेपिस्ट है या कोई गैंगस्टर है, ड्रग एडिक्ट है, ये क्या कर देगा, कुछ नहीं पता। तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, और इन लोगों के साथ तो अकेले बहू बेटे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, ये जब अपनी नहीं छोड़ते तो दूसरे क्या घंटा छोड़ेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे हिजाब नहीं होगा, निकाब नहीं होगा। इंडिया में भी हम खबर सुनते हैं, लेकिन इंडिया में जो खबर सुनते हैं वो पाकिस्तान में बड़ी वायरल होती है कि जी इंडिया ने मुसलमानों के हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी दुनिया में कुछ हो तो हमें क्यों नहीं बताया जाता? देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा अजली दुश्मन है, तो सऊदी अरब में ऐसी बात जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं अगर होती है तो। ठीक है, नहीं इंडिया अजली दुश्मन है, वो मतलब ये सोच हम अपने माइंड से अगर निकाल लें, और जो जो भी जहाँ पे कुछ हो रहा है हमें तो खबर जो है वो तो सबके लिए एक होनी चाहिए, दुश्मन की खबर पास लानी है आपने अगर दुश्मन मानते हैं तो। देखें जी, वहाँ के जो मुस्लिम अगेंस्ट लीडर हैं, जैसे RSS है, ठीक है, और वहाँ पे के जो उनके लीडर्स हैं जो इस्लाम दुश्मनी रखते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्युटली मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये जो गांधी का फलसफा था सेकुलर हिंदुस्तान का, हाँ, ये बिल्कुल फेल हो चुका है, ठीक, और है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो उसी की वजह से तो आज हम भुगत रहे हैं, उसी की वजह से हमारे पैरों में बेड़ियां घुस चुकी हैं। फलसफा बड़ा अच्छा फलसफा था, डुबो के रखा 70 साल तक इस देश को, नाश मार के रखा, एक को सब कुछ दूसरे को कुछ नहीं, ये उसका फलसफा। इसके बरक्स इस्लाम फोबिया हो चुका है। आपने बोला सेकुलर जो उनका एक माइंडसेट था वो फेल हो चुका है, लेकिन ये वहाँ पे डेवलपमेंट जितनी तेजी से हो रही है, आपको क्या लगता है आज 76 साल बाद वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान किस कंडीशन में है? हम फिर भी हालात इंडिया के पब्लिक के जो वहाँ पे मुसलमानों के हालात हैं उनसे अब 1 लाख दर्जे पाकिस्तान में बेहतर है। हमारा पासपोर्ट है, हमारा पासपोर्ट है, वो उनका भी है। वहाँ पे क्या मुसलमानों को पासपोर्ट नहीं मिलता? मुसलमानों को वहाँ पे पासपोर्ट नहीं इशू किया जाता, अगर किया जाता है तो बड़ी मुश्किल से किया जाता है, उनसे उनके बिजनेस के सोर्सेज पूछे जाते हैं, और मुसलमानों को वहाँ पे नौकरियाँ नहीं दी जाती, वो नॉन सेकुलर कंट्री बन चुका है मुसलमानों को। ये देखो,
ये जाहिल पाकिस्तान में रह के इसको ये नहीं पता इसके घर में आटा दाल चावल चीनी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ का उसको पता है कि यहाँ के मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी जाती, इनके पासपोर्ट नहीं बनते। सऊदी का तेरी फूफी का लड़का जाता फिर यहाँ से, तेरी खाला का शौहर जाता है यहाँ से, ये बता दे मुझे। फिर यहाँ से सऊदी, दुबई, लंदन, यूरोप जाते हैं, वो कौन जाते हैं? तेरी बुआ के लड़के हैं। जितने नॉन मुस्लिम नहीं आते ना, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम जाते हैं यहाँ से, और अच्छी जगह पे जाते हैं, अच्छी जगह जॉब भी करते हैं, उनकी कितनी सारी कंपनीज आएंगी यहाँ पे। और किसके अगर बिजनेस सोर्सेस पूछे जाते हैं, किसके नहीं पूछे जाते भाई? सबके पूछे जाएंगे यहाँ पे, सबके पूछे जाते हैं, सबके पूछे जाएंगे तुम्हारी कमाई कहाँ से आ रही है, और टैक्स भरना पड़ेगा उसका तुम्हें, नहीं भरोगे जेल जाओगे, डजंट मैटर तुम कौन हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, तुम्हारी तरह थोड़ी जंगल ला जाए यहाँ पे जाहिलो। आपको खबर आप तक मीडिया के थ्रू पहुंची या आपके कोई रिलेटिव या कोई मतलब? मेरे काफी सारे रिलेटिव हिंदुस्तान में मौजूद है। कौन सी स्टेट में? हरियाणा में है, अंबाला में है, दिल्ली में है। ठीक है, जो अभी भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी तरह पाकिस्तान ले जा, हम इन लोगों जालिम दुनिया से निजात पाए। ठीक है, इस टाइम मैं इधर ये बड़ी ये लोग बड़ी तादाद में चल रहे जाहिल, तेरे पाकिस्तान जो तेरे रिलेटिव्स हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा में, अंबाला में, दिल्ली में मैं खुद रहता हूँ, हरियाणा मेरा नेबर ही है, नेबर स्टेट है, अंबाला 3-4 घंटे की दूरी पे मेरे यहाँ से, नाम एड्रेस बता, उनको मैं खुद पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा, बता, बाघा बॉर्डर पे खुद लेके आऊंगा मैं उनको, बता, पासपोर्ट भी उनका मैं खुद बनवाऊंगा अगर नहीं है तो, बता कौन है, एड्रेस दे, लाइव लेके आऊंगा, बता, ये भी नहीं कि हाँ बंदा चेंज हो गया, तू खुद उससे गएगा, तू बता कौन है वो, किसके चुनने का आटा लाने के लिए भेजता हूँ मैं उनको, बोल कौन है, इस तक वीडियो जरूर पहुंचा दो, कौन है जरा एड्रेस एड्रेस बताए भाई। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बंदे जो उसको छोड़ कहेंगे पर्सनली, टाटा कर कहेंगे, बागा बटर पे तुम्हें छोड़ कहेंगे अटारी पे, समझ गया? फिर पाकिस्तान में तुम उनको पपिया करना, झपिया करना, चाहे फट जाना एक साथ ही, सानू घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर इधर किसी से भी पूछ लूं कि क्या यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है आप खुश हैं खुशहाल हैं, यहाँ से लोग बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, यूथ बड़ी तादाद, आप कहते हैं वो यहाँ आने चाहते हैं, भाई जान बाहर जाने का मौका मिला बाहर जाएंगे, सच बोलना। जी जी बिल्कुल जरूर जी जाएंगे। और ये मैं आपको सच बोलिएगा, ये नहीं मौका मिला बाहर जाएंगे, जी जी क्यों जाएंगे, यहाँ खुशहाली नहीं है, तो फिर ये देखें इधर से लोग। जी मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। अच्छा, मैं अबे वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान में आके अपनी दुकान चला रहा हूँ, जैसे भी हालात हो मैं इनको फेस करूंगा। ये देखें इनके इस फैशन को, घंटे का फैशन, लात मार के बाहर निकाल दिया वो जहील को, घंटे का फैशन, यहाँ आके तो अपनी बनवा रहा है, है? कौन सा चुपती है कि जो इंग्लैंड छोड़ के यहाँ पे आएगा, अभी तो ये कहता वेस्ट बुरा है, वेस्ट ये कर रहा है, क्यों मरवाने गया फिर वहां पे, क्यों सिटीजनशिप ली मांगे तूने, फिर क्यों मरवा रहा है यहाँ पे फिर तुम? दैट इज कॉल्ड जहालत, कहीं नहीं घंटा घंटा गया होगा इसकी जहालत ऐसे दिख रही है, कहीं का सिटीजन पिटीजन नहीं है ये, बस खाली बोल दिया इसने, बस ये बोल देते हैं कि हम ये हैं वो हैं, घंटा इनको लात मार के बाहर निकाल देंगे, ब्रिटिश सिटीजन हूं मैं, यहाँ मरवाने के लिए आया तो ये सोचो बंदा स्वर्ग से नरक में खुद जाएगा अपनी मर्जी से कि मैं यही रहूंगा, भाई साहब नरक मेरा घर है, जहां ये नहीं पता है कि कब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए, कब इसका छीन पीन ले, कब इसको दो थप्पड़ मार के इसका चश्मा छीन ले, किस कुत्ते से दिमाग चटवाते हो बेपना तुम, हैं बता दो मुझे कहां से लाते हो जहालत। अप्रिशिएट करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तानी हमें कहना चाहिए और यहाँ पे रहना चाहिए, मुश्किल वक्त में भागना नहीं चाहिए, लेकिन ये इसका इंडिया के मुसलमानों से क्या लिंक है कि वो वहाँ, अब वहाँ पे देखें गैस का क्या रेट है, वहाँ पे आप जो इधर यहाँ पे बिजली यूज करते हैं क्या पर यूनिट मिल रहा है आपको? यहाँ पे 62 रुपए पर यूनिट, तो अगर 6-7 रुपए यूनिट पड़ रहा हो तो कौन सा मतलब बेहतर? देखें उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे जो वापडा है वो भी चोर है, इसको वो भी चोर है, लातदार टैक्सीज हैं जो हमारे मुल्क में बिलों में लगा के भेज दिए जाते हैं, जो आदमी रेडियो नहीं सुनता उसकी रेडियो फीस, टेलीविजन फीस, पता नहीं टैक्स हर चीज लगता है। अच्छा लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई जो नेबर में आपने बोला मेरे रिलेटिव रहते हैं इंडिया में, कब लास्ट टाइम बात हुई? मेरी बात उनसे अक्सर होती रहती है, यही कहते हैं आप इंग्लैंड, इंग्लैंड के थ्रू मेरी टेलीफोन पे बात होती रहती है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। चले देखें जो हमें यहाँ पे बताया जाएगा हमने उसी हिसाब से बात करनी है, लेकिन अब जरूरत ये है कि अपने घर को देखें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर हम ज्यादा बात करें तो बेहतर होगा। मुझे मेरे ख्याल केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान में अच्छा कर रही है, बेहतर हमें अच्छी मैनेज, पेट्रोल महंगा होने लगा है, खबर आपको अब तक पहुंची है कि नहीं? 10 रुपए तकरीबन, देखिए वो डॉलर बहुत ऊपर जा चुका है, हमारा रुपया गिरावट में आ चुका है, उसकी वजह से हमारा पेट्रोल जो है ना महंगा हो चुका है, जूं जूं डॉलर सस्ता होगा हमारा पेट्रोल भी सस्ता होगा। लास्ट में यही बता दें कि जैसे आपने बोला कि वेस्ट साजिश कर रहा है या वेस्ट के कहने पे ये सब हो रहा है, वेस्ट को क्या जरूरत है मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट ये करने की क्या जरूरत है? इस्लाम फोबिया है उनको हो चुका है, मतलब वो हमारे अगेंस्ट है, इस्लाम दुश्मनी है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों अगेंस्ट है, मतलब थोड़ी कोई रीजन मुझे भी पता चले कि यार इस टेक्नोलॉजी में इस टाइम कौन आ गया? वेस्ट अमेरिका, ठीक है वो आगे है, इसके अलावा इकोनॉमी में कौन आ गया, हम आगे या वो आगे? वो लोग आ गए, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर बात करें कि दुनिया में अगर पासपोर्ट की वैल्यू करें किसकी ज्यादा है, उनकी या हमारी? उनकी ज्यादा। आईटी में कौन आ गया? इंडिया आ गया, अमेरिका आ गया, वेस्ट आ गया, सब चीजों में वो आगे, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो हमारे अगेंस्ट साजिश करेंगे, ये चीज नहीं मुझे समझ आती।
वो हमारे इस्लाम फोबिया हो चुका है, कभी वो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं, कभी उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी वो कुरान मजीद की बेहुर्मती करते हैं। ये करता है उसकी तो सरासर हम मजम्मत करते हैं बिल्कुल ओपनली। अभी कुछ देर पहले कहा था कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है, खुद के घर में आटा नहीं बचा है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं बचा है, ना कोचने का चिट्ठा नहीं बचा है, उसके बाद भी फिर यहाँ पे रहते हैं। और भाई दूसरी बात, जो तेरा है यहाँ पे रिश्तेदार है ना, उसको बोल कॉन्टेक्ट करे, कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं उसको पर्सनली छोड़ के आऊंगा, उसकी चिंता मत करो। दूसरी बात जाहिल, जो तुम लोग करते हो ना, तुम लोग मतलब किसी की भी, तुम बाइबल जला दो, हिंदू धर्म का अपमान करो, किसी और धर्म का अपमान करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अगर कोई बोल दे तो तुम्हारे फट से मिर्ची लग जाती। तुम लोग दूसरे के देश में जाके गंद मचाओ, फट जाओ, वहां पे ग्रूमिंग गैंग चलाओ, वहां की बहु बेटियों का रेप करो, है तुम्हारे पिछवाड़ों पर लात मारे, फिर तुम लोग कहते हो इस्लामोफोबिया। जगह जगह फटते तुम लोग फिर रहो, कौन तुम्हें पास में बिठाएगा? गंदगी को कोई अपने पास रखता है क्या? उसे दूर मुड़ता है, पीछा छुड़ाता है, उसको दूर फेंक के आता है। तो पाकिस्तान कचरा है जिसमें सारी गंदगी रहती है। पता नहीं कौन से गधे का तुम मुंह छूंग लेते हो या छिपकली का मुंह पी लेते हो कि तुम लोगों का ऐसा नशे हो जाता है कि जैसे तुम लोग सबसे बड़े हो, सबसे अजीम करीम कौम हो। जो तुम करोगे सही है, मैं कन्वर्टेड हो, तुम लोग तो असली हो भी नहीं, उछलते ऐसे हो। उसने ये गलत कर दिया, सऊदी ने ये कर दिया, दुबई ने ये कर दिया, हम तो उसकी मजम्मत करते हैं। मैं तुम पिछवाड़ा खोल के चिंगारियां निकाल दो अपने पिछवाड़े से, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, समझ गए? तुम जाके दसवीं मंजिल छलांग मार लो सर के बल, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी का दूध पी लो तुम निकाल के, चाय बना के पी लो, चाहे कॉफी बना के पी लो, चाहे सूखा पी लो तुम लोग, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे तो गांठ बांध लो सर में खोपड़े पे, वो कुतिया होती है, दिमाग चटवाना बंद करो, नहीं तो और भी खत्म हो जाओगे तुम लोग। वैसे खत्म तो हो ही जाओ, ज्यादा नहीं, तुम लोगों की उम्र भी 10-15 साल और बची है मैक्सिमम। तुम्हें चाइना ऐसा रगड़ेगा ना, ऐसा रगड़ेगा, पूछो मत कैसा रगड़ेगा। और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में हर एक बंदा एक जैसा नहीं है, Everyone are same, सबकी एक जैसी mentality है, terrorist mentality है, ये हमेशा याद रखना। अगर इनके मुताबिक अगर नहीं चल रहे हो तुम, तो उसके लिए आप दुश्मन हो भाई साहब। इनकी गलत में हाँ मिला दो, चाहे गलत हो चीजें सही, इनका सिर्फ एक इलाज है चाइना, वो इनको ठोक के रखता है तो ऐसे ही सुधर के रखते हैं। और सच चाइना इस मामले में मैं उसके 101% बिल्कुल सही करता है इन लोगों के साथ। मैं इस चीज में तो उस बंदे उसके साथ खड़ा हूँ, सी जिनपिंग पुंग के साथ, वो चाइनीज जिसकी आंखें कम खुलती हैं, उसके साथ उसको कम दिखाई देता है, इसलिए फिर उनको पेल के रखता है, और सही पेल के रखता है भाई साहब। मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। करते हैं जो किसी के भी मजहब को इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है या हर्ट करता है, और इसकी मजम्मत तो इवन लास्ट टाइम जो सा यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने आवाज उठाई थी, इंडिया ने सपोर्ट की थी इसके ऊपर। तो ये लोग जो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा आपको प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज भी। अच्छा लास्ट में यही चीज आपने बोला कि भाई वो साजिश कर रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट, वो साजिश उसके अगेंस्ट की जाती है, उस कंट्री के अगेंस्ट की जाती है जो थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि भाई वो लोग इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम वो नीड एटलीस्ट गुड गवर्नर्स, ठीक हो गया, गुड गवर्नर्स। हमें अपने मुल्क को, अपने गुलशन को ठीक करना है। अच्छा हिंदुस्तान में जब ये बात होती है, इंडिया में अगर इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन उनके गवर्नमेंट ने ऐसा भी फिलहाल कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी कोई किसी यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, हमारा मीडिया यहाँ पे चीखने लगता है कि जुल्म हो गया मुसलमानों पे, जुल्म हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्यों नहीं बोल रहे? हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, जलसे जुलूस करने चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी का हुसन है। ठीक है, अगर हमारा नेबर गलत है तो हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। नहीं, नेबर कैसे गलत है आप थोड़ा बताएंगे? वहाँ पे जो मुसलमान है, यहाँ पे मुसलमान है, आज 2023 में कौन बेहतर है? कहाँ करेगा, पाकिस्तान में कर ले, किसको घंटा फर्क पड़ेगा? अबे तुम जीभ से रोड साफ कर लो, एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, तुम कुत्ते का पिछवाड़ा चाट लो, तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, समझ गए? क्योंकि तुम्हारी औकात मिल बता सन्नाटा सुनने अंडा है, समझ गए? सड़े हुए टमाटर के बीज पाकिस्तान में बेहतर है। हमारा अपना पासपोर्ट है, हमारी अपनी शनाख्त है, हम पे कोई हिंदू सिख हाकम नहीं है, ना ही हम पे अंग्रेज हाकम है। अंग्रेज नहीं हाकम हमारे पे, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है। आप क्या कहेंगे, हाकम है कि नहीं? जी बिल्कुल इनडायरेक्टली वही है। ठीक है, अच्छा आपने बोला वहाँ पे हमारा यहाँ अपना पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट नहीं है वहाँ के मुसलमानों का? मुसलमानों को वहाँ पासपोर्ट इशू करवाने में बड़ी बड़ी दिक्कत पेश आती है, उनको बड़ी सॉलिड रीजन देनी पड़ती है कि पासपोर्ट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? मतलब आप ये बातें कैसे जानते हैं, मीडिया से देखते हैं या किस तरीके से आप तक? मेरे सोर्सेज हैं, मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। किस एरिया में? दिल्ली में है, हरियाणा में, अम्बाला में। तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनकी इस्लामी तखशस को पामाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1947 से लेके जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, उनकी आबादी पाकिस्तान में कम हुई है, इंडिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, फिर ये कैसे बढ़ गई अगर वहाँ पे इस तरह जुल्म हो रहा है? देखें, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया चलानी है ना। ठीक है, अगर वहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो ये अल्लाह ताला का करम है
कि वहाँ पे जुलम हो, मारा जाए, उन्हें मतलब दबा के रखा जाए, वहाँ से तो लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं, या उनके पास च्वाइस नहीं है, च्वाइस नहीं है उनके पास, च्वाइस नहीं है। पाकिस्तान की ये जो यूथ खड़ी है, इनसे अगर पूछे कि भाई आप बाहर जाना चाहेंगे तो ये क्या बाहर नहीं जाएंगे? I spent 21 year in England. I prefer to be living in Pakistan. आपकी ये इस जज्बे को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आज की यूथ से भाईजान बाहर जाना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जाना चाहेंगे? यहाँ पे क्या फैसिलिटीज नहीं है, जॉब नहीं है? बस इस वजह से जॉब नहीं है और कोई सहूलते नहीं है। आप बाहर जाना चाहेंगे? जी जी जरूर। आप जाना चाहेंगे? जी अब क्योंकि यहाँ के सिस्टम से टोटली डिसएग्री करते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे। अंकल आप ये बात कर रहे हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखें मैं ये तीन लोगों से पूछा, मैं 30 से भी पूछूंगा ना, 30 के 30 यही कहेंगे, मोस्ट ऑलमोस्ट 25 28 यही कहेंगे बाहर जाना चाहते हैं। भाई आप अंकल की इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला जी उधर जुलम है, ये है, लेकिन वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, उनकी डेवलपमेंट बेहतर हो रही है। ठीक है, इकॉनमी उनकी जो बढ़ रही है वो तो उनके सियासतदान ठीक है, हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है, और आबादी पर तो वो कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, ये तो यूरोपियन लोग हैं जो कंट्रोल किया हुआ, वेस्टर्न ने कंट्रोल किया हुआ। खबर आई है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला वेस्ट मतलब वजह से ऐसा हो रहा है, हालांकि इस्लामिक कंट्रीज है, आपको लगता है कि वेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है? जी देखे जैसे हम इस्लामिक कंट्रीज होकर प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हम भी आजाद नहीं आ सकते, हम कोई अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, एज इट इज इजिप्ट में भी वैसे ही करप्शन है जैसे यहाँ पर, और वो भी अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, और हर एक साल के बाद नाउज बिल्ला हरा के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, मुसलमानों को चेक किया जाता है, अब इनमें कितनी पावर है, अब ये इसके अगेंस्ट क्या करेंगे? ठीक है, नहीं जो हाके अगर बनाए जाते हैं या इस तरीके से किसी के मजहब को डिसहर्ट किया जाता है, सेंटीमेंट्स को जो है वो डिसहर्ट किया जाता है, हर्ट किया जाता है, उसके ऊपर तो हम ओपनली मजम्मत करते हैं। अंकल जी लास्ट में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से हमारे में यूनिटी आ सकती है? और ये सोच मतलब कि वेस्ट ये करवा रहा है, इसराइल ये करवा रहा है, क्या मतलब देखें टेक्नोलॉजी में कौन आगे? हमें महाजर पंजाबी सिंधी बलोची पठान इससे बाहर निकलना होगा, ठीक है, और हमें ये फिरका वारियत से बाहर निकलना होगा, एक पाकिस्तानी बन के इस मुल्क को तरक्की देनी होगी, जैसे भी हालात हो, यहाँ हमें शादमानी और जाफशानी से मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन कंट्री में बेहतर किसी आईटी इंजीनियर को तो उसको चांस अवेल करना चाहिए, ठीक है, जैसे चाइना ने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिलवाई और फिर अपने मुल्क में ले आए। सऊदीया की बात करें लास्ट में, फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, आपने भी काम वगैरह करना होगा, ये बताएं सऊदीया में भी इसी तरीके से खबर आई थी कुछ टाइम पहले, एग्जामिनेशन सेंटर पे पाबंदी लगाई गई थी कि मतलब वहाँ पे कोई अबाया नहीं करेगा, हिजाब नहीं करेगा, उसके ऊपर भी प्रेशर था वेस्ट का, या उन्होंने अपनी मर्जी से लगाई? नहीं, उनके अपने च्वाइसेस हैं, वो पोल करते हैं अवाम में कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ है। हाँ जी, उनकी जो अपनी मजलिस है, उनकी फैसले होते हैं, करते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, सऊदीया पे भी प्रेशर कहीं और से था? मेरा ये ओपिनियन है, जो ये मुआहदे वगैरह करते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, इनको अंदर गाइड किया जाता है कि अब आपने इस चीज से पाबंदी हटानी है, कि एक तो उनको इस्लामोफोबिया वेस्ट को, दूसरा ये है वो समझते हैं कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इनको जीने का हक नहीं है, इनको आजादी नहीं है, इनकी औरतें खुद को ढक के क्यों रखती हैं? वो हमारा मजहब है, जब हम उनके मजहब को डिच नहीं करते तो उनको चाहिए कि हमारे रिलीजन को डिच ना करें, लेकिन वो उनको लगता है कि वो जो है मॉडर्न है, हम मॉडर्न नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ इंडिया पे क्यों बात? कौन कहता है तुम्हें, कौन कहता है तुम दूसरे देश में जाके अपने अपनी चलाओगे तो पिछवाड़े पे डंडे तो पड़ेंगे पड़ेंगे ना, वहां का कानून नहीं मानोगे तुम, सऊदी में दुबई में जाके कतर में जाके भीख मांगोगे, वहां के कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो मुंडे तो कटेगी बेटा, तुम यूएस में जाके वहां के कानून नहीं मानोगे, वेस्ट में जाके तुम कानून नहीं मानोगे, यूरोप में जाके कानून नहीं मानोगे, तुम्हें क्या बोला जाएगा? आओ जी पधारो जी, पधारो हमारे देश, आओ जी पपिया कने तुम्हें झपिया ना लें, भूतनी होकर जाके वहां फटोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लाती पड़ेगी, इस्लामो फैलेगा, समझ गए? तो हरकतें सुधारो, इज्जत अपने हाथ में होती है, इज्जत अपने हाथ में होती है, कैसे आप प्रिटेंड करते हो, कैसे आप रहते हो वहां पे। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इन जहलतों के बारे में, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक बंदा एक जैसा नहीं है, तो जरा देख लो, हर एक बंदा छोटे से लेके बड़ा सबकी एक मेंटेलिटी है, कोई चेंज नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैं कहां गलत हूं, और मैं समीर एजेंसी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।